हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैट विजन का CSR402HP सेट ऑफ बॉक्स। देखिए फ्रेंड, अब तक मैंने भी जो लोकल सेट ऑफ बॉक्स होते हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं वही मैंने यूज़ किया है, जैसा कि आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। बट फ्रेंड, पहली बार मैंने जो कैट विजन का है, जो बायस से सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड सेट ऑफ बॉक्स है DTH के लिए, फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये MPG4 सेट ऑफ बॉक्स है जो कि इसमें लगभग 116 चैनल आते हैं, लगभग टोटल 400 से ऊपर चैनल आते हैं, बट बाकी के स्टडी के चैनल है 116 चैनल इसमें, जो DD फ्रीडिक्स वाले चैनल है, जो देखने लायक है वो चैनल है, बाकी के स्टडी के लिए है। तो फ्रेंड देखिए, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे IR सेंसर है सामने, और यहां पे एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे कि देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो कि ग्रीन रंग का जलता है जब भी ये ऑन होती है। और यहाँ पे साइड में 3 स्विच दिए गए हैं, पावर और चैनल अप डाउन करने का। और देखिए पीछे की साइड में दिखा देता हूँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पे पावर एडाप्टर लगाया गया है, और यहाँ पे HDMI केबल हमने कनेक्ट कर रखी है, और यहाँ पे डिस्क की वायर कनेक्ट कर रखी है एंटीना इन, और यहाँ पे एक USB पोर्ट है जिसके द्वारा आप कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइस चलाना चाहते हो चला सकते हो, और AV आउटपुट के लिए भी पोर्ट है। तो फ्रेंड यदि आपके घर पे भी एक LED TV है तो फ्रेंड ये काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। और इसमें HD चैनल भी आते हैं, 3-4 HD चैनल जो कि MPG4 सेट ऑफ बॉक्स में आते हैं। देखिए मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। और फ्रेंड देखिए, इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त एडाप्टर है, 12 वोल्ट का एडाप्टर है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और साथ में इसका रिमोट भी मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड, जो इसका रिमोट है इसमें देखिए TV कंट्रोल, जो ये 5 बटन दिए गए, इससे TV को कंट्रोल कर सकते हैं, TV इसी से ऑन होती है, सब कुछ फ्रेंड इसी से आप कर सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त सेट ऑफ बॉक्स है, और TV और डिस्क दोनों एक ही रिमोट से ऑपरेट होती है। देखिए मेरा Realme का एंड्रॉयड TV है, अब देखिए मैं इसे ऑपरेट करके आपको दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड, अब हम इसका स्विच ऑन करते हैं एक बार, तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं देखिए जैसे स्विच दबा रहा हूँ, हमारी देखिए पावर ऑन कर दी हमने TV की। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारी TV ऑन हो चुकी है, और इसी रिमोट से हम ऑन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर फ्रेंड देखिए चैनल तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, बट मैं चैनल के नाम दिखा दूँगा आपको, लिस्ट दिखा दूँगा कौन कौन से चैनल आ रहे हैं। बाकी के जो मतलब 400 से ऊपर चैनल आते हैं, बट बाकी के चैनल मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि जो स्टडी वाले हैं वो मैं नहीं देखता हूँ, मैं केवल जो मनोरंजन वाले चैनल है वही देखता हूँ। तो 116 के लगभग चैनल आते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर TV AV वाला भी है इसमें, अगर सोर्स वाला हम बटन दबाना चाहें तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए TV AV वाला मैंने बटन दबा दिया है, और यहाँ पे देखिए चैनल आना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे MPG4 सेट ऑफ बॉक्स है, और काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड। देखिए रिमोट भी इसका ज़बरदस्त है, और यहाँ पे HDMI केबल से हमें पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, 1080 पिक्सल तक की पिक्चर क्वालिटी हमें इसमें सेट ऑफ बॉक्स में मिलती है। और फ्रेंड मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये जहाँ पर मैं कोई बायस सर्टिफाइड सेट ऑफ बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, और फ्रेंड काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे तो ये सेट ऑफ बॉक्स। अगर आप में से कोई भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और कैटविजन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। फ्रेंड मेरा एक बार आप देखिए, कोई भी पेड वीडियो नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने भी लोकल सेट ऑफ बॉक्स काफ़ी यूज़ किए, बट फ्रेंड इसको यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी इन्जॉय अच्छा लगा। देखिए मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ एक बार, मैं अगर सेट ऑफ बॉक्स के पीछे की वायर हटा दे दूँ तो फ्रेंड आपको मैं चैनल दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो देखिए मैं एक बार चैनल के नाम दिखा देता हूँ आपको।